नमस्कार दोस्तों, SRE ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो में जो कैरियर सेक्शंस में पोस्ट होती हैं, तो उसी में से एक पोस्ट होती है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट। अब टेक्निकल असिस्टेंट में दोस्तों आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे वो है सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की पोस्ट। अब इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी पूछा जाता है, फर्स्ट क्लास आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विद 60%। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए या तो पहले से अप्लाई किया हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए, या आपने अभी अपना डिप्लोमा पास आउट किया है सिविल इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसरो में जो टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए एग्ज़ाम होता है रिटर्न एग्ज़ाम, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस सिलेबस से पूछे जाते हैं। आज हम वही ऑफिशियल सिलेबस जो इसरो के द्वारा डिज़ाइन किया गया है आप तक शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी टेक्निकल असिस्टेंट सिविल से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इसरो में, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम डायरेक्टली आपको सिलेबस पर ले चलते हैं जहाँ आप ऑफिशियल सिलेबस देख पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल सिलेबस इसरो के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, और जो एडवर्टाइजमेंट 2017 का था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, उसी के द्वारा ये जारी किया गया है। और आप सभी को दोस्तों बता दें जो इसरो है, इसरो के बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसमें इसरो जब वैकेंसी जारी करता है तो ऑफिशियल सिलेबस किसी भी पोस्ट पर जारी नहीं करता है, लेकिन हम आपके लिए दोस्तों ये ऑफिशियल सिलेबस लेकर आए दोस्तों, क्योंकि इसरो ने 2017 में जो वैकेंसी थी उस पर जारी किया गया था, तो आपके दोस्तों ये सिलेबस हम लेकर आए हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरा अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियोस है आपके लिए। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिलेबस है रिटन टेस्ट के लिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो कि वेरी कर सकता है अलग अलग सेंटर्स के लिए, यदि आपने BSSC के लिए अप्लाई किया या ह्यूमन स्पेसिफाइड सेंटर या अलग अलग। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लीजिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सभी कैटेगरीज के लिए होना चाहिए, और सभी कैटेगरी जितने भी चार कैटेगरीज हैं आप सभी को सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर जो सिलेबस है आपका, जो रिटन एग्जाम सिलेबस है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, सर्वेइंग 1 एंड सर्वेइंग 2, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फोर्थ ऑप्शन है, ये फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड प्रैक्टिस, फिफ्थ पॉइंट है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स एंड स्टील स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी एंड सर्वेइंग 1 एंड 2, नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स और इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये जो आपका सिलेबस था वो लगभग आपका रिटर्न एग्जाम जो होता है वो आपने यहाँ पर देख लिया। आप इस सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं स्किल टेस्ट की ओर, जो यहाँ पर स्किल टेस्ट होता है तो वो आपको भी स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग ही कुछ जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं देन आफ्टर आपको स्किल टेस्ट देना होता है, स्किल टेस्ट के बाद जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है आप फिर उसके बाद एलिजिबल होते हैं ज्वाइनिंग के लिए और मेरिट लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब स्किल टेस्ट के बारे में। अब स्किल टेस्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं सभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा बट आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, और साथ साथ यह PDF डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल के भी अपने लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक सर्वेइंग प्रैक्टिकल, जिसमें चेन एंड रेजिंग सर्वेज, थियोडोलाइट सर्वेइंग, थियोडोलाइट थियोमेट्रिक सर्वेइंग, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेंगे, जो भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे मटेरियल टेस्टिंग ले। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा हो, कंटेंट हमारा जेन्यून लग रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस अपने पास हमेशा देखने के लिए साथ साथ सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल के लिए, तो उसमें आप जो पॉइंट्स आते हैं वो है सर्वेइंग 1 एंड सर्वेइंग 2, जिसमें आपको जो पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड प्रैक्टिस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर एंड स्टील स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अभी हमने आपसे इससे पहले जो पढ़ा था सेम वो भी यही है, इसमें बस आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके दे दिया कि किस पॉइंट में आपको कितना कितना पढ़ना है,
और आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो बस दोस्तों, ये था कुछ सिलेबस इसरो के टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।